माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद है, एक बार सभी लोग ताले की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री एवं माननीय केंद्रीय मंत्री एवं मध्य उद्योग मंत्रालय श्री कलराज मिश्र जी का स्वागत है। अतिथियों को उद्बोधित कर मार्गदर्शन पहले सबसे पहले प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के अंदर स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी को हम सबका, राजस्थान के सब वासियों का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने आज गरीबों के लिए तीन बड़े बड़े स्कीम लागू करने का काम पूरे देश अंदर किया है। चाहे वो सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो और चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, ये तीनों की तीनों बहुत ही अच्छी स्कीम्स, गरीबों को लाभान्वित करने वाली स्कीम्स ऐसे आज पूरे देश में लागू की गई है। बहुत ही छोटे समय के अंदर पूरे देश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना, सोयल कंजर्वेशन कार्ड, पीएम सिंचाई योजना, सुकन्या योजना जिसमें बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का की बात उठी है, और मेक इन इंडिया जिससे निकलते नवंबर के महीने में हम सब रिसर्च इन राजस्थान करने जा रहे हैं। ये जो योजनाएं हैं वो सब हमको आत्मसम्मान दिलाती हैं और राजस्थान के, और मुझे विश्वास है कि पूरे देश के स्वाभिमान को जगाती हैं। अभी आपको कलराज जी ने बताया कि ये तीनों स्कीम्स, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो तो ये व्यक्ति को सिर्फ 12 रुपए, क्या है कुछ भी नहीं, 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होगा और मृत्यु या अपंगता की स्थिति में 2 लाख की बीमा का सुरक्षा है, और आंशिक अपंगता होती है तो ये राशि 1 लाख, और बीमा सुविधा 18 से 70 वर्ष की आयु वाले समूह के सभी व्यक्तियों को मिलने वाला है। वाजपेयी जी द्वारा को प्रधानमंत्री जी के नाम पर अटल पेंशन योजना के अंदर जो ग्रुप है वो 18 से 40 वर्ष और 42 से 210 रुपए का मासिक अंशदान देने की जरूरत है, और इन्हें 60 वर्ष की आयु से 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन आराम से मिलेगी, लेकिन जो इनकम टैक्स पे ही है उसे ये पेंशन नहीं मिलेगी। और मैं समझती हूँ कि इतना अच्छा है कि सिंपल स्कीम्स हैं कि इन स्कीम्स की अगर हम लोग सब इस्तेमाल स्कीम को करते हैं तो इसका फायदा हमको, अपने परिवार को, हमारे हमको खुद को आराम से मिलेगा। इस योजना, जो अटल पेंशन योजना है, इस योजना में बीमा कराने वाले व्यक्ति के अंशदान का 50% या 1000 रुपए जो भी कम हो वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। इन तीनों योजनाओं में प्रीमियम की राशि बैंक खाता धारक जो है उनके सेविंग्स से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से जमा हो जाएगी और कोई भी खाता धारक इनके लिए पात्र होगा। बहुत सिंपल, और मैं समझती हूँ जहां भी आप इसको देखोगे, पढ़ोगे अगले दिनों के अंदर उसका फायदा पूरी तरह से उठाने का काम आप करोगे, और साथ में ये भी ध्यान रखोगे कि ये तीनों स्कीम्स हम सब के लिए मील का पत्थर साबित होंगे आगे चलते। मैं जिस भी व्यक्ति को ये सम्मान मिलता है उनको सबको बधाई देना चाहती हूँ, और प्रधानमंत्री जनधन योजना भी मैं मानती हूँ कि एक ऐसी योजना है जिसे प्रदेश में व्यापक समर्थन मिला है और जिसका फायदा हम सबको आगे चलकर मिलेगा। देश के विकास को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की विस्तृत सोच है कि हमको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, और हम एक स्वस्थ, शिक्षित, समृद्ध, खुशहाल और महिलाओं के प्रति संवेदनशील राज्य के विजन को लेकर आगे बढ़ने की सोच
शक्तिशाली आधुनिक विकसित समृद्ध प्रदेश बनने का ये संकल्प लेकर हम आगे चल रहे हैं और विश्वास है मुझे कि हम राजस्थान को निश्चित रूप से देश के अग्रणी और विकसित प्रदेशों की श्रेणी में खड़े करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। इन तीनों स्कीम के साथ हम जुड़े, राजस्थान की जो स्कीम्स हैं वो इनके साथ जुड़ेंगी आगे चल के, और मैं सबकी समझती हूँ कि इन सब स्कीम्स को देखते हुए आगे 5 साल के अंदर जो हमने एक नया विकसित भारत का सपना सबके सामने रखा था और एक नया विकसित राजस्थान का सपना सबके सामने रखा था, उस नए और विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने में पूरी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। इसमें मुझे विश्वास है कि आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबका प्रेम और आशीर्वाद जिस तरीके से हमसे अभी तक जुड़ा रहा है वो आगे भी जुड़ेगा और हम सब मिलकर टीम राजस्थान के रूप में इस सपने को पूरा करने में पीछे नहीं आएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी को आज हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सभी को कोलकाता ले चलते हैं जहां से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। एक आगे बढ़ने का हौसला देगा सबसे बड़ी और सबसे कम प्रीमियम वाली आर्थिक सुरक्षा योजना के जरिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, छोटा प्रीमियम बड़ी सुरक्षा। मृत्यु होने पर आपके परिवार को मिलेगी 2 लाख की राशि। दोनों आंखों की दृष्टि चल जाने पर या दोनों हाथ या दोनों पैर की विकलांगता हो जाने पर मिलेगी 2 लाख की राशि और 1 आंख की दृष्टि चल जाने या 1 हाथ या पैर की विकलांगता हो जाने पर मिलेगी 1 लाख की राशि। देखिए मैं जानता हूँ भाभी जी आपको बाजू में बैठकर देख रही हैं। प्रमाण पत्र यानी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत एक्नॉलेजमेंट और सब्सक्रिप्शन प्रदान कर इन तीनों योजनाओं को व्यवहारिक तौर पर देशवासियों को समर्पित करें माननीय, इसके लिए कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। बड़ी बेटी के कान का इलाज करवा रही हैं। इनका मानना है कि भगवान न करे अगर इन्हें खुद को कुछ हो जाए तो पैसों से घर को मदद तो हो जाएगी। एक बेटी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। श्री गीतोय चंद मंडल कृपया मंच पर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एक्नॉलेजमेंट कम सर्टिफिकेट प्राप्त करें। गीतोय चंद 37 साल के हैं और किसान है। परिवार में माता पिता पत्नी और एक बेटी है। भगवान ना करे अगर इन्हें कुछ हुआ तो पैसों की मदद से घर का गुजारा तो हो जाएगा। बेटी को वकील बनाना चाहते हैं। श्रीमती रूमा चक्रवर्ती कृपया मंच पर आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन के लिए एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करें। रूमा 27 साल की है। पति का एक्सीडेंट होने के कारण शरीर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज होने की वजह से घर में ये अकेली कमाने वाली है और इन्होंने स्टेशनरी की अभी अभी दुकान खोली है। बाद में ये पेंशन इनके काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अंधेरा उलीचा मैंने अंधेरा उलीचा, गति मध्य भी एक और प्रगति का पंथ भी एक। माननीय प्रधानमंत्री जी आपका संवेदनशील हृदय और ओजपूर्ण नेतृत्व ही तो है कि आज राष्ट्र का जन जन अपनी उम्मीदों उमंगों की एक नई अनुभूति में जी रहा है, सपनों को साकार होते हुए देख रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ये कार्यक्रम कलकत्ता के सभागृह में हो रहा है लेकिन देश के 115 स्थानों पर साइमल्टेनियस कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में उपस्थित भी सभी महानुभावों को मैं अपने प्रणाम करता हूं। आज
बंगाल स्मरण करते ही हर एक हिंदुस्तानी का सर ऊंचा हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है। भारत के ऐतिहासिक जीवन के अनेक घटनाएं हैं जिसकी प्रेरणा इस धरती से मिली। अगर परिवर्तन का कहीं प्रारंभ हुआ तो इसी धरती से हुआ। और गोखले जी कहा करते थे कि बंगाल जो आज सोता है हिंदुस्तान बाद में वही सोता है। और ये धरती एक समय था जब हिंदुस्तान की आर्थिक विकास की पूरी बागडोर उसके हाथ में थी। भारत की आर्थिक गतिविधि बंगाल से पहले इस धरती की विशेषता रही है। जब मां दुर्गाधी तो पूजा में लीन रहते हैं लेकिन इसे सरस्वती के भी आशीर्वाद है और साथ साथ लक्ष्मी के भी आशीर्वाद है। जहां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिले ऐसी धरती रही। औद्योगिक जगत पर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें वकीला भगत जी यदि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन कराया प्रेम देगी यदि घरेलू साहिबा बाबू जी 55 वर्षीय मनीषा जी 19 वर्षीय छात्रा है बी ए फाइनल की पढ़ाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन कराया है। लाली देवी जी 27 वर्षीय घरेलू कामकाज साजिद मोहम्मद खान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अपना नामांकन कराया है। और अंततः नरेश कुमार ककवाल जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरीके से राज्य में जब हम लोगों ने 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी उसमें आपने आके उद्घाटन में शामिल किया।